नमस्कार, मैं हूं देवांशु। ठंड का मौसम पटना में दस्तक दे चुका है और आज हम आए हैं पटना के कुमरार स्थित सानिया नर्सरी, जहां पर ठंड के मौसम में लगने वाले फूलों के एक से बढ़कर एक छोटे छोटे पौधे हैं और बहुत सारी वैरायटी की सीडलिंग्स है। तो हमारे साथ इस नर्सरी के ऑनर सद्दाम जी होंगे और सद्दाम जी बताएंगे आखिर इनकी नर्सरी में क्या कुछ है, ठंड वाले कौन कौन से पौधे मिल रहे हैं, जो कि आप जो है वो बहुत ही आसानी और सरल से ता के साथ अपने घरों में लगा सकते हैं। सद्दाम जी, ओवर टू यू, आप बताइए आपके नर्सरी में क्या क्या है। पहले मैं इस यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब जो है उनको मैं बताना चाहता हूँ नमस्कार। और ये आप सभी का फ्लावर जो है बहुत से सीडलिंग का है जाड़े के मौसम का, तो मैं अभी ले चलता हूँ सीडलिंग के बारे में। और ये मेरी गोल्ड आपको है, फ्रेंच मेरी गोल्ड, एक नया वैरायटी आया है रेड में, वो देखिए अभी लेटेस्ट रेड है वो। ये आपको 30 रुपीज़ प्लांट मिल जाएगा ये। हाँ, और ये ज़्यादा क्वांटिंग में लेंगे जैसे 20 पीस 50 पीस लेंगे तो वो आपको 25 रुपया भी हो जाएगा। हाँ। और उससे भी ज़्यादा होलसेल में लेंगे तो हम 20 रुपये लगा देते हैं। चलिए, अगर आप ज़्यादा मात्रा में ये मैरीगोल्ड के पौधे लेंगे तो 20 रुपये में मिल जाएंगे, अगर एक पीस लेते हैं तो 30 रुपये में। देखिए ये अच्छा बड़ा हो चुका है, इसलिए अब आप इसको ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं होंगी अगर आप इसे पॉट में रखते हैं तो। और गुलदावरी की भी कई वेराइटियाँ मुझे दिख रही हैं और ये सब नया सीडलिंग जो आएगा छोटे पौधों के लिए है। जी जी हाँ, उसमें अभी बड़ा मैरीगोल्ड लगेगा इसमें। हाँ, इसकी टॉल गेंदा लगेगी हाइट में, वो भी आपको 30 रुपया 30 रुपीज़ तैयारी मिलेगा। तो चलिए अब हम सीडलिंग की तरफ चल रहे हैं और देखते हैं क्या क्या है। ये किस चीज़ का है? ये कैलेंडुला है ये। हाँ, ये डबल वाला है, आपको डबल फ्लावर है ये, आपको 6 रुपये सीडलिंग है। हुँ. ये आपको सीडलिंग 6 रुपये है। मतलब कि ये छोटा सा एक लेंगे तो 6 रुपये का पड़ेगा। जी जी हाँ, अगर ये कुछ दिनों के बाद बड़ा हो जाएगा तो 20-30-40 रुपये। हाँ, वो प्लांट बहुत तैयारी होगा तो मेरे यहाँ 30 रुपये में रेडी मिलेगा वो। अगर छोटे पौधे आप लेते हैं कैंडुला के तो 6 रुपये लगभग, इनके यहाँ जो सीडलिंग्स हैं वो 5 रुपये 6 रुपये का मिल रहा है छोटे पौधे। अगर आप कम कीमत में बढ़िया फ्लावर लेने चाहते हैं विंटर फ्लावर तो आप छोटे सीडलिंग्स ले सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है इसको बड़ा करने में। अगर आप थोड़ा बड़ा लेंगे तो 20 रुपये से लेकर 30 रुपये में आपको मिल जाएगा छोटे फ्लावर। और जी हाँ, साल्विया है। साल्विया? जी हाँ, साल्विया फ्लावर है, बहुत अच्छी फ्लावर है जाड़े के मौसम में। हाँ, और विंटर सीजन के लिए बहुत मस्त फ्लावर ये है। और ये है ध्यानथस, ये ध्यानथस है आपको 10 रुपये पीस और साल्विया 7 रुपये पीस है। ये भी वो ध्यानथस है। जी हाँ, इसका टैग लगा हुआ है ये। हाँ, 10 रुपये पीस। हाँ, और ये गजनिया है। गजनिया? जी हाँ, सब हाइब्रिड का है। हाँ, 10 रुपये पीस है। चलिए और इधर आते हैं और दिखाते हैं आपको क्या कुछ है इनके पास। हाँ, ये सब, ये सुलेसिया है। सुलेसिया? जी हाँ, ये आपको है 6 रुपये पीस है सुलेसिया। सुलेसिया ठंड के मौसम में? हाँ हाँ, सुलेसिया ठंडे के मौसम का। हाँ, ये है आपको डहलिया, 10 रुपये पीस बड़ा डहलिया। डहलिया? हाँ, 10 रुपये पीस बड़ा डहलिया मिल रहा है, छोटे पौधे हैं। आप खुद सीडलिंग तैयार करते हैं? जी हाँ। हाँ चलिए, और ये सब आगे सब? ये फ्रेंच मैरीगोल्ड तैयार हो रहा है। हाँ, और ये आपको बहुत सारी चीज है, ये आपको देखिए पम्पम डहलिया। पम्पम डहलिया? ये आपको छोटे वाले होते हैं, छोटे फ्लावर, ये बड़े डहलिया होते हैं। ये एस्टर आपको 7 रुपये पीस है। एस्टर? जी हाँ, 7 रुपये पीस। और वो पीछे भी मैरीगोल्ड ही? हाँ, वो 6 रुपये पीस है। 6 रुपये पीस अगर छोटे पौधे लेंगे आते हैं तो। हाँ, 6 रुपये पीस। ये सब भी मैरीगोल्ड ही का है। ये आपको है रानाकुलेस, जो बिहार के अंदर में अभी है, इसका सीडलिंग अभी तैयारी हो रहा है। ये आपको मिल जाएगा 600 रुपये दर्जन। 600 रुपये दर्जन? और ये भी मैरीगोल्ड की वैरायटी, 6 रुपये पीस। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं छोटे छोटे पौधे। अगर आप कम पैसों में अगर आप विंटर सीजन के फ्लावर्स अपने घरों पर लगाना चाहते हैं तो ये सब पौधे की सस्ते में मिल रहे हैं, क्योंकि छोटे पौधे हैं 6 रुपये 5 रुपये 7 रुपये में मिल रहा है। ये पिटूनिया है? ये स्टार पिटूनिया है। हाँ, थोक में हम लोग देते हैं आपको, जैसे ये खुला पीस 15 रुपये बेच रहे हैं, ऐसे थोक में जैसे 2 दर्जन 3 दर्जन ले रहे हैं तो वो आपको 120 रुपये दर्जन हम लोग लगा देते हैं। 120 रुपये दर्जन पिटूनिया मिल रहा है। और ये? ये इनपेशेंस है। इनपेशेंस? जी हाँ, ये आपको है 180 रुपये दर्जन। हाँ, इनपेशेंस
ये इनपेशेंस का फ्लावर है और ये 180 रुपये दर्जन मोहम्मद सद्दाम जी बता रहे हैं इनकी नर्सरी में मिल रहा है। छोटे छोटे पौधे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं अभी, और ये खुद ही सीडलिंग के जरिए तैयार करते हैं पौधे, बीज के जरिए। ये सब मैरीगोल्ड की वैरायटी है जी। ये एंटेनम है, एंटेनम, हाँ, इसको जिसे मार्केट में बोलते हैं डॉग फ्लावर। हाँ, ये आपको है 7 रुपये पीस। एंटेनम है ये 7 रुपये पीस, ये जो मेरे दिख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत लगा। छोटे छोटे पौधे बहुत खूबसूरत लगते हैं, और ये सब मैरीगोल्ड की वैरायटी है। ये पैंजी आपको 10 रुपये है। पैंजी जी हाँ, मार्केट में आपको सबसे ज़्यादा मिलता है वो मेरे यहाँ, सबसे कम सबसे सस्ता है, और वैरायटी में आपको कम नहीं मिलेगा, आपको वैरायटी जो भी मिलेगा। हाँ, ये कैलेंडुला, ये आपको 6 रुपये। नस्टेशियम, हाँ, ये कैलेंडुला है, देखिए कैलेंडुला है, 6 रुपये पीस, 5 रुपये पीस, 6 रुपये, ये भी कैलेंडुला ही है। कैलेंडुला, हाँ, और ये क्या बताया आपने? नस्टेशियम। अच्छा, ये कितने का है? ये आपको है जी, आपको 6 रुपये पीस है नस्टेशियम। नस्टेशियम जो है वो 6 रुपये पीस। अब फूल वाले देखिए, अब ये है आपको देखिए जलेनियम, हाँ, ये 20 रुपये है ये जलेनियम। ये आपको, हाँ, और ये सब फ्लावर है 30 रुपये। क्या क्या है? ये तो गुलाबी आगे दिख रहा है और पीछे सब वो सब, हाँ, जिन्हें 30 रुपये है, जितना पीस आप लेते हैं, अगर मान लीजिए खुला में लेते हैं तो 40 रुपये देते हैं, ऐसे मान लीजिए 20 पीस 10 पीस लेना तो 30 रुपये पड़ जाएगा। चलिए, ये जो फ्लावर वाले पौधे दिख रहे हैं वो हर एक माल 30 रुपये का है, और फ्लावर लगे हुए हैं तो आप देख सकते हैं किस किस कलर के हैं। और इसके अलावा ये सब क्या है? ये तो आपको वेजिटेबल है। वेजिटेबल, ये क्या है मतलब? वेजिटेबल बैगन, कितने का दे रहे हैं ये बैगन का पौधा? 3 रुपये पीस है। 3, हाँ, हाइब्रिड 3 रुपये दर्जन, 30 रुपये दर्जन बैगन का छोटा सा पौधा आप ले सकते हैं। और ये गोभी लग रहा है, गोभी कैसे है? आपको वही है 3 रुपये पीस। और ये भी 3 रुपये। ये क्या है? क्या ये है? भंटा है, भंटा बैगन है, ये 3 रुपये पीस है। तो सब्जियों के छोटे छोटे पौधे जो विंटर में लगते हैं वो भी अगर खरीदारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 रुपये पीस में। और ये सब क्या बोलते हैं? बिगोनिया फ्लावर है। बिगोनिया, ये, हाँ, इसकी है बिगोनिया फ्लावर है, आपको ये पड़ जाएगा 50 रुपये पीस। मिनीचर रोज है, आपको 100 रुपये पीस पड़ जाएगा। ये 50 रुपये पीस। और ये सब क्या तैयार हो रहा है? बाकी यहाँ पर से कोई सीडलिंग आप लीजिएगा, तैयारी प्लांट 30 रुपये में आपको सब सीडलिंग मिलेगा, खरीद डालिया छोड़ के। हाँ, ये देख सकते हैं कि ये आप खुद ही तैयार करते हैं, ये बहुत सारे फ्लावर्स हैं आपके पास, मतलब ठंड की पूरी तैयारी कर ली है आपने और आपकी नर्सरी ने। जी जी, हाँ, और ये स्ट्रॉबेरी भी है आपको। हाँ, स्ट्रॉबेरी कितने का दे रहे हैं? ये आपको पॉट सहित मिल जाएगा आपको 80 रुपये का। 80 रुपये का स्ट्रॉबेरी पॉट सहित इनकी नर्सरी में मिलता है। हाँ, बोगनवेलिया है आपको 120 का। हाँ, बोगनवेलिया 20 रुपये का, जो आप स्क्रीन पर, हाँ, 120 रुपये का जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो खुद ही आप सीडलिंग इतने फ्लावरों को तैयार करते हैं, बीज लाते हैं और सीडलिंग तैयार करते हैं। 5 रुपये 10 रुपये लोग खरीदारी करते हैं फ्लावर की पटना में? जी, बहुत अभी क्रेज है पटना में। एक समय था कि मैं मैरीगोल्ड गिराता था तो एक पैकेट ला के गिराता था, तो वो आज क्या है कि एक पैकेट क्या, आज मैं 20 पैकेट क्या, 100 पैकेट भी गिराता हूँ तो फरकत हो जाता है। क्रेज बड़ा है फ्लावर लगाने का। हाँ जी जी, मेरा शिलिंग और मेरा पेज भी चलता है फेसबुक पे, सानिया नर्सरी नाम से पेज है। और बहुत से जैसे कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, सब जगह का, कोडरमा आपको बहुत जगह से आता है, बिहार के कोई कोना में सब जगह के साथ है, कुछ कुछ नेपाल के भी एरिया से भी आ जाते हैं शिलिंग लेने के लिए। जो पटना छठ पूजा के मौके में आए तो वो अपना अस्तर पे आके ले जाते हैं। कोई भी क्वेरी या कोई भी पूछताछ करना है, चाहते हैं आप फ्लावर से संबंधित, तो सानिया नर्सरी पेज है फेसबुक पर, उस पर आप लाइक कर सकते हैं और कोई भी सवाल डायरेक्ट पूछ सकते हैं मोहम्मद सद्दाम जी से, और ये हमेशा अवेलेबल है सवालों का जवाब देने के लिए। अगर आपका पौधा ख़राब हो रहा है और उसको कैसे ठीक करें तो आप फोटो भेज सकते हैं इनके व्हाट्सएप पे, और ये सभी चीज़ों का हर संभव कोशिश करते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो कर दे गार्डनिंग के शौकीन लोगों के लिए, ये हमेशा तत्पर रहते हैं। जी हाँ, तो जैसे किसी जगह मान लीजिए प्लांट खराब हो रहा है तो उसको गार्डनर चाहिए तो गार्डनर भी हम लोग भेजते हैं। और ये है कि जैसे मान लीजिए आप 10 गमला 15 गमला रखे हुए हैं तो उसके लिए दिक्कत हो रहा है कि गार्डनर 3000 में 2000 कहाँ से दूँ, तो उसके लिए हम व्हाट्सएप के थ्रू फोटो भेजते हैं, वो खाद उसको देते हैं और उसको बताते हैं कि ये सोल्यूशन ऐसे करना, स्प्रे ऐसे कीजिए, उसके बारे में सोल्यूशन देते हैं हम लोग। एक बेसिक दिक्कत है, जब गार्डनिंग आप शुरुआत करते हैं तो कई सारे प्रॉब्लम आते हैं, फ्लावर्स ख़राब होते हैं, फ्लावर्स उस मात्रा में नहीं आते जिस मात्रा में लोग चाहते हैं, तो क्या टिप्स देंगे, बेसिक टिप आपके लिए क्या है? आप
अनुभवी व्यक्ति लग रहे हैं। जैसे क्या है कि अभी जैसे देखिए मार्केट में क्या है कि कुछ जगह जैसे रोड खंदा रहा है, पैलिंग हो रहा है या पुल खंदा रहा है, तो उस जगह से मट्टी कुछ लोग उठा लेते हैं। हाँ। उठा लेते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो मट्टी में प्लांट लगाते हैं। हाँ। तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, वो क्या है केमाल मट्टी रहती है। हाँ। और ये नर्सरी से मट्टी लेके आप लगाते हैं तो उसकी प्लांट की ग्रोथ रुकता नहीं, वो बढ़ते चल जाएगा। अच्छा, वो है क्या बस ये बहुत से देखते हैं आप घर में बोरिंग हो रहा है तो लाओ इसको मट्टी को यूज कर लेंगे, इसको प्लांट में लगाएंगे। तो वो भी तो जमीन के नीचे का मिट्टी नहीं है तो वो आपको 2 फीट के ऊपर की मट्टी पर चाहिए, उसको सनलाइट चाहिए मट्टी को। अच्छा, जो मट्टी को सनलाइट लगा गया वो प्लांट उसमें लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इनका तजुर्बा था जो इन्होंने बताया, और इनकी नर्सरी में हमने आपको इस वीडियो में बताया क्या कुछ मिल रहा है विंटर फ्लावर्स को। फिलहाल इस वीडियो को एंड कर रहे हैं, अभी तक के लिए इतना ही।